India would not have been partitioned. If Subhash Bose was there. Jinnah said, I can accept only one leader. That is Subhash Bose. ये कहानी है एक ऐसे शख्सियत की जिसे भारत में जेम्स बॉन्ड कहा जाता है, इंडिया के टॉप स्पाई मास्टर और 21वीं सदी का चाणक्य कहे जाने वाले अजीत डोभाल की। इनकी रियल लाइफ जेम्स बॉन्ड की थ्रिलिंग मूवी से कम नहीं है। पाकिस्तान आज भी इनके नाम से थर थर कांपता है। आज देश का सबसे पावरफुल ब्यूरोक्रेट बताया जाता है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पर इनको कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर का दर्जा दिया गया। कभी बने रिक्शा वाले तो कभी बने मोची वाले, और कभी तो धर्म बदलकर दूसरे देश का नागरिक तक बने, तो कभी दुश्मनों के साथ मिलकर कई सारी खुफिया जानकारियां निकाली। इन्होंने अपनी 30 साल के अंडरकवर जर्नी में ऐसे ऐसे खतरनाक कारनामे किए हैं जो कि शायद ही दुनिया में पहले किसी ने किया हो। साल था 1945, तारीख थी 20 जनवरी। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में एक फौजी के परिवार में अजीत डोभाल का जन्म हुआ। इनके पिता एक आर्मी ऑफिसर थे। अपनी शुरुआती पढ़ाई इन्होंने एक आर्मी स्कूल से की और कॉलेज की पढ़ाई अजमेर मिलिट्री स्कूल से की। 22 साल की उम्र में आगरा यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में इन्होंने मास्टर्स की डिग्री हासिल की। मास्टर्स खत्म करने के बाद UPSC की तैयारी में जुट गए और अपने पहले ही अटेम्प्ट में एग्जाम को क्वालिफाई कर इंडियन पुलिस सर्विस ज्वाइन कर लिया। पहली पोस्टिंग साल 1968 में केरल कैडर में ASP के पद पर हुआ। अजीत डोभाल के पोस्टिंग के कुछ सालों के बाद केरल में एक घटना हुई। दरअसल 28 दिसंबर 1971 को केरला के तालासेरी गांव में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच कुछ सांप्रदायिक हिंसा हो गई। 1972 के पहले हफ्ते तक ये हिंसा दंगे के रूप में बदल गई और ये लोग लूटपाट और चोरी चकारी करने लगे, जिसकी वजह से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। हालात इतने बिगड़ते गए कि केरला के तत्कालीन होम मिनिस्टर के करुणाकरण को एक ऐसे पुलिस की तलाश थी कि जो इस हिंसा को काबू कर सके। तभी करुणाकरण की नजरों में कोट्टायम जिले में ASP के पद पर तैनात अजीत डोभाल आ गए। अजीत डोभाल को सर्विस में आए हुए लगभग 3 साल ही हुए थे, लेकिन अपने काम की वजह से ये दूर दूर तक चर्चे में आने लगे थे। इसकी वजह से करुणाकरण दंगों पर काबू करने के लिए अजीत डोभाल को चुनते हैं और फिर अजीत डोभाल ने कुछ ही दिनों के भीतर दोनों कम्युनिटीज के लोगों को समझाकर दंगों को शांत कराया और उन लोगों पर अपना ऐसा जादू चलाया कि वो लोग एक दूसरे के लूटे हुए सामान को भी वापस करने के लिए राजी हो गए। इस घटना के बाद केरल ही नहीं बल्कि पूरे देश में उनकी चर्चा होने लगी। जो काम स्टेट पुलिस नहीं कर पाई वो काम अजीत डोभाल अकेले ही कर दिए। देखते ही देखते अपने इसी हुनर की वजह से वो दिल्ली में बैठे इंटेलिजेंस ऑफिसर की नजरों में आ गए और तभी उन्हें सेंट्रल सर्विस के लिए केरला से दिल्ली बुला लिया गया। दिल्ली में उन्हें सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो में नियुक्ति हो गई। इसके साथ ही इन्होंने इतनी कम उम्र में जासूसी की दुनिया में भी कदम रखा और यहीं से एक यंग IPS ऑफिसर इंडिया का स्पाई मास्टर बनने का सफर शुरू हुआ। शुरुआत में कुछ समय के लिए अजीत डोभाल को डेस्क वर्क के कामों पर रखा गया था। उस वक्त साल 1970 में भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन में विद्रोह का माहौल था। दरअसल वहां के स्टेट वाले खुद के लिए इंडिपेंडेंट नेशन की मांग कर रहे थे। ऐसे में दिल्ली में बैठी इंडियन गवर्नमेंट के लिए ये सिचुएशन बहुत नाजुक थी। IB ने ये तय किया कि उनका कोई ऑफिसर मिजोरम जाकर विद्रोह को शांत कराने की कोशिश करेगा और इस काम के लिए अजीत डोभाल को भेजा गया। वहां जाकर अजीत डोभाल ने अपनी एक रणनीति और एक एक करके सभी दुश्मनों को मार गिराया। दरअसल उस वक्त मिजोरम के CM लाल डेंगा थे और ये अपने 7 कमांडर के साथ मिलकर हंगामा करते थे। ये 7 कमांडर ही लाल डंगे की कमजोरी थी और इसी कमजोरी को अजीत डोभाल ने खत्म कर दिया। जब इस मिशन में अजीत डोभाल की जीत हो गई तो इनको पुलिस मेडल से नवाजा गया। इतने कम सर्विस इयर्स में अजीत डोभाल ही पहले ऑफिसर थे जिन्हें इस पदक से सम्मानित किया गया। लेकिन कुछ वक्त बाद पंजाब में खालिस्तानी लोग अलग देश खालिस्तान की मांग करने लगे। आतंकवादियों की गुट
अमृतसर के गोल्डन टेंपल को अपना सेफ जोन बनाकर पूरे शहर में आतंक फैलाने लगे। वहां के हालात इतने बिगड़ चुके थे कि हालात पर काबू कर पाना मुश्किल हो गया। 1984 में इंडियन मिलिट्री पर्सनल्स ने गोल्डन टेंपल को आतंक से मुक्त करने के लिए ब्लू ऑपरेशन को लॉन्च किया और इन आतंकवादियों को वहां से भगा दिया गया। इस प्रॉब्लम का पूरी तरह सफाया करने के लिए 1998 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर लॉन्च किया गया और इस ऑपरेशन में अजीत डोभाल की बेहद अहम भूमिका थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन आतंकवादियों को निकालने के लिए अजीत डोभाल ने एक रिक्शा पुलर का भेष बनाया। इतना ही नहीं, इस भेष के साथ इन्होंने उन आतंकवादियों पर ऐसा जादू चलाया कि वो ये मानने के लिए तैयार हो गए कि ये रिक्शा पुलर एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिसर है जो उनकी मदद के लिए वहां आया है। फिर इस बात का फायदा उठाकर अजीत डोभाल ने इन आतंकवादियों के साथ गोल्डन टेंपल के अंदर रहकर उनकी हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठा की और इंडियन आर्मी को सौंप दी। इसी जानकारी के आधार पर ऑपरेशन ब्लैक थंडर लॉन्च किया गया और अजीत डोभाल इसमें कामयाब हो गए। इसके अलावा अजीत डोभाल का पाक वाली प्लान भी बहुत चर्चे में था। दरअसल पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम को डेवलप करने की तैयारी कर रहा था और जब इस बात की भनक इंडिया को पड़ी तो इस मिशन के लिए अजीत डोभाल को पाकिस्तान भेजा गया। अजीत पाकिस्तान में एक भिखारी का भेष बनाकर पाकिस्तान के कहूता शहर पहुंच गए। इनको शक था कि यहां खान रिसर्च सेंटर के नाम से इंस्टीट्यूट के अंदर पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है। वो इस सेंटर के बाहर बैठकर आने जाने वाले सभी साइंटिस्ट को ट्रैक करने लगे, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा तो दोबारा भेष बदलकर बार्बर की शॉप पर गए। इस दुकान पर साइंटिस्ट बाल कटवाने आते थे। यहां से अजीत डोभाल हेयर सैंपल्स को कलेक्ट करके इंडिया में टेस्टिंग के लिए भेजते थे और इस टेस्टिंग में पता चल गया कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खान रिसर्च सेंटर के अंदर ही चल रहा है। अजीत डोभाल ने बड़ी चालाकी से न्यूक्लियर प्रोग्राम्स की सभी जानकारी निकाली और इंडिया में ट्रांसफर कर दी। उस वक्त भारत के पीएम मोरारजी देसाई थी। अजीत डोभाल ने उनको ये रिपोर्ट्स देकर पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए। इस सब के चलते 1998 में अजीत डोभाल को सर्वोच्च वीरता पुरस्कार और कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। खास बात ये कि 7 साल पुलिस फोर्स और लगभग 30 साल इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करने के बाद जर्नी 2005 में वो आईबी के चीफ के पद से रिटायर हो गए। लेकिन इसके बाद भी देश की पॉलिटिक्स, एकेडमिक्स और स्पेशली नेशनल सिक्योरिटी के मैटर्स में एक्टिव रहते हैं। लेकिन इनकी जिंदगी के इस फेज ने एक बड़ा बदलाव 2014 में हुआ जब न्यू दिल्ली में बीजेपी की गवर्नमेंट ने अपनी सत्ता स्थापित की। 13 मई 2014 को पीएम मोदी ने उनको देश के 5th नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में नियुक्त कर दिया। नेशनल एडवाइजर बनते ही उनके सामने इराक से एक बड़ा चैलेंज आ गया। दरअसल उस समय इराक में आईएसआईएस का आतंक छाया हुआ था। जून 2015 में आईएसआईएस ने इंडिया की 46 नर्सेज को तिकरिक में बंदी बनाया था। एनएसए बनने के 2 महीने बाद ही अजीत डोभाल बहुत ही खुफिया तरीके से इराक पहुंचे। वहां पर उनकी सरकार के साथ कोलैबोरेट किया और कुछ ही दिनों के भीतर सभी इंडियन नर्सेज को आईएसआईएस के चंगुल से छुड़ाकर इंडिया वापस लेकर आ गए। इसके बाद पाकिस्तान ने इंडिया पर उड़ी और पुलवामा में 2 खूंखार आतंकी हमला हुआ था, तो इन दोनों हमलों के रिस्पांस में भारत की ओर से जो सक्सेसफुल सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, इन दोनों के मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि खुद अजीत डोभाल ही थे। और पुलवामा की सर्जिकल स्ट्राइक में विंग कमांडर अभिनंदन का प्लान पाकिस्तान के इलाके में जा गिरा और वो पाकिस्तान के कब्जे में आ गए। लेकिन अजीत डोभाल ने अमेरिका फोन करके पाकिस्तान पर प्रेशर बनवाया और कुछ ही घंटों के भीतर अभिनंदन को बाइज्जत इंडिया को सौंप दिया गया। अपनी बुद्धि के बलबूते पर अजीत डोभाल देश के बड़े बड़े दुश्मनों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देते हैं। आज उनकी उम्र 79 साल हो चुकी है, लेकिन जब भी हम उनको टीवी पर या किसी अन्य इवेंट में देखते हैं तो आज भी फिट और एक्टिव दिखाई देते हैं। आज भी इंडियन फॉरेन पॉलिसी
और सिक्योरिटी से जुड़े हर छोटे बड़े कदम उन्हीं की निगरानी में लिए जाते हैं। अब अगर अजीत डोभाल के परिवार की बात करें तो साल 1972 में इन्होंने शादी अरुणी डोभाल से की थी। इनके दो बेटे हैं, एक बेटे का नाम शौर्य डोभाल है और ये राजनयिक हैं, और दूसरे बेटे का नाम विवेक डोभाल है जो कि चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषक हैं। ऐसे ही तमाम रोचक जानकारियों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए पॉलिटिकल पंचायत को। धन्यवाद।